भारत बनेगा दुनिया का सरमौर। एफडीआई से हो रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई। आईएमएफ का भी गणित हुआ फेल। हिंदुस्तान ने दिखा दिया अपना खेल। दोस्तों, एक तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, वहीं दूसरी तरफ भारत का विदेशी निवेश बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार की नीति की बदौलत भारत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। वहीं चीन और पाकिस्तान की हालत पतली होती जा रही है। खासकर पाकिस्तान की बात करें तो उसका रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खत्म हो रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तान ने कई जरूरी चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। महंगाई से त्रस्त जनता सरकार से रहम की गुहार लगा रही है। अपनी हालत को देखते हुए पाकिस्तान भी चीन के आगे भीख का कटोरा लेकर खड़ा हो गया है, लेकिन खबर है कि चीन ने भी पाकिस्तान को दुत्कार दिया है और उसे और कर्ज देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं। उसे समझ नहीं आ रहा वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे करे। दूसरी तरफ भारत ने आईएमएफ का गुणा गणित को गलत ठहराते हुए एफडीआई में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत की इसी मजबूत होती अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कैसे भारत अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा रहा है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तेजी से बढ़ रहा है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। दुनिया के देशों के खस्ता हो गए हैं हालात। दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया के ज्यादातर बाजार संघर्ष कर रहे हैं और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों से कंपनियां अपने पैसे निकाल रही है, ऐसे वक्त में भी भारत में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश हो रहा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए $83.57 अरब के उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की रिपोर्ट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में $83.57 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है, जो अभी तक के भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा है। मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2003 के मुकाबले साल 2022 में एफडीआई में 20 गुना का इजाफा हुआ है। भारत में साल 2003 में केवल $4.3 अरब का ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया था, लिहाजा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये एक शानदार खबर है और आने वाले कुछ सालों में भारतीय बाजारों पर इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन युद्ध और कोविड महामारी के बाद भी भारत में पिछले साल के मुकाबले $1.60 अरब एफडीआई बढ़ा है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई सबसे ज्यादा बढ़ा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए अमृत के समान है। मंत्रालय ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 76% बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में ये जहां $12.09 अरब था, वहीं इस साल $21.34 अरब हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 23% की वृद्धि हुई है, यानी फरवरी 2018 से 2020 के बीच भारत में $141.10 अरब एफडीआई आया, जबकि 2020-2022 के बीच में $171.84 अरब का एफडीआई भारत में आया है। भारत में विदेशी मुद्रा निवेश करने वालों में सिंगापुर पहले नंबर पर है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 27% का विदेशी मुद्रा निवेश किया है। इसके बाद अमेरिका और मॉरिशस का 16% हिस्सा है। हर बार की तरह इस बार भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भारत में एफडीआई हासिल करने वाले शीर्ष क्षेत्र बने हैं, जिनसे लगभग 25% हिस्सेदारी के साथ सबसे ज्यादा एफडीआई हासिल हुई। इसके बाद सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 12-12% एफडीआई हासिल हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए कुल एफडीआई इक्विटी फ्लो में 38% हिस्सेदारी के साथ कर्नाटक पहले स्थान पर था, जिसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का स्थान है। यह आंकड़ा बताता है कि चीन के प्रति विदेशी कंपनियों में डर काफी है और वो चीन का विकल्प भी खोज रहे हैं, लेकिन अभी भी कई कंपनी चीन के विकल्प के रूप में भारत को नहीं देख रही हैं। यह भारत सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने में अभी भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। हालांकि भारत सरकार का दावा है कि पिछले 8 सालों में सरकार ने लगातार एफडीआई नीति की समीक्षा की है और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारत आकर्षक और निवेशकों के अनुकूल गंतव्य बना रहे। लेकिन फिर भी भारत के लिए ये काफी पॉजिटिव खबर है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितना एफडीआई मिला है वो साफ दिखाता है कि दुनिया के देशों को भारत में भरोसा है। वहीं आईएमएफ ने माना है कि भारत साल 2027 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है और उसने जो पिछले अनुमान लगाया था उसमें गलती हो गई थी।
IMF ने माना कि भारत को आंकने में हुई गलती, 2027 में ही भारत की अर्थव्यवस्था हो जाएगी सशक्त। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान लगाने में उससे गलती हुई है, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत के आर्थिक विकास पर गणना में हुई गलती को सही कर लिया गया है। पहले जिस ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया था, उसके मुकाबले भारत की ग्रोथ रेट ज्यादा है। IMF ने पहले अनुमान लगाते हुए कहा था कि भारत साल 2029 तक $5 trillion की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, जबकि IMF ने अब कहा है कि उसका पहले का अनुमान गलत था और नए अनुमान के मुताबिक भारत 2 साल पहले इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। IMF ने अपनी गलती में सुधार के बाद अनुमान लगाया है कि मौजूदा कीमतों पर भारत का GDP $3.5 trillion हो चुका है, जिसके साल 2023-24 में $3.8 trillion और 2024-25 में $4.2 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। IMF के अनुमान के मुताबिक भारत का GDP साल 2025-26 में $14.6 trillion तक पहुंच जाएगी और 2026-2027 में $5.1 trillion के सकल घरेलू उत्पाद को हासिल करके $5 trillion का आंकड़ा पार कर जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि IMF का अनुमान है कि 2027-28 में सिर्फ एक साल में भारत की GDP बढ़कर $5.5 trillion हो जाएगी, जबकि इससे पहले IMF ने अनुमान लगाया था कि भारत की GDP साल 2028-29 तक $5 trillion होगी। वहीं भारत सरकार ने भी कोविड महामारी को लेकर देश की अर्थव्यवस्था को $5 trillion तक ले जाने के लक्ष्य को एक साल के लिए बढ़ा दिया है और नया लक्ष्य 2026-27 कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि IMF का नया अनुमान भी यही है। भारत सरकार का लक्ष्य अब वित्त वर्ष 2025-26 तक या अगले वर्ष 8-9% तक GDP ग्रोथ हासिल करने की है, जिससे $5 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ जाए। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने कहा है कि अगर हम 8-9% तक रियल GDP ग्रोथ रेट बनाए रखते हैं तो ये $8 की GDP वृद्धि में तब्दील हो जाएगी और ऐसे में हमारा अनुमान ये है कि हमें साल 2025-26 या 2026-27 तक $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर लेना चाहिए। भारत, नेपाल और भूटान के वरिष्ठ रेजिडेंट प्रतिनिधि लुइस ई ब्रेउर ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के बाद से काफी अच्छे तरीके से सुधार कर रहा है और मार्च 2022 में भारत की रियल GDP महामारी के पहले के GDP के समान स्तर तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुधार हो रहा है उसके जारी रहने की उम्मीद है और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक खतरे भी लगातार कम हो रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूल रूप से भारत के लिए $5 trillion की अर्थव्यवस्था लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साल 2025 निर्धारित किया था, लेकिन पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। कोविड लॉकडाउन ने पीएम मोदी के उस टारगेट तक पहुंचने का लक्ष्य को बाधित कर दिया, लेकिन अपने कठिन परिश्रम से भारत ने वो लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंद नागेश्वरन ने कहा कि भारत पहले ही बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों में कई सुधार कर चुका है और अब सार्वजनिक निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तुलना में उन्नत देशों में भी भारत अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। दोस्तों, भारत की इस बढ़ती ग्रोथ ने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है। चीन को लगने लगा है कि जिस गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसके लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त भारत उसके लिए बड़ा खतरा है। चीन को लगता है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी ही विकास करती रही तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत चीन की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगा, जिसका नतीजा होगा कि दुनिया के सभी देश भारत में निवेश करना बेहतर समझेंगे। दोस्तों, मजबूत अर्थव्यवस्था की बदौलत ही भारत अपनी रक्षा प्रणाली को भी मजबूत कर पाएगा, जो कि आज के समय में उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दरअसल, जिस तरह से चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरे की घंटी है। अगर भारत चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए तैयारी नहीं करेगा तो आने वाले वक्त में चीन उसके ऊपर हावी हो सकता है, जो भारत कभी नहीं चाहेगा। वही बात करें पाकिस्तान की तो भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था से वो जलने भुलने लगा है। उसे लग रहा है कि एक तरफ वो रसातल में जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था कंगाली के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत है जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।